सितारगंज पुलिस ने बीते 13 जुलाई को फ्यूजन माइक्रो कंपनी के कलेक्शन एजेंट से लूट करने वालों में फरार चल रहे पति पत्नी को सितारगंज पुलिस ने ग्राम तिलियापुर के पास से गिरफ्तार किया था, जिनके पास से 3,550 की नकदी बरामद की गई है। आपको बता दें कि बीते 13 जुलाई को फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट अमन शर्मा के साथ झाड़ी मंदिर शक्ति फार्म के जंगल वाले रास्ते पर 5 लोगों ने तमंचा दिखाकर कलेक्शन किया था। वहीं 1 लाख से अधिक की लूट की गई थी। सितारगंज पुलिस ने कलेक्शन एजेंट अमन शर्मा की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। वहीं क्षेत्र अधिकारी ओम प्रकाश ने बताया है कि अभियुक्त 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिनकी कब्जे से 80,000 और 1 तमंचा, 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। पकड़े गए अभियुक्तों की पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि गुरनाम कौर पत्नी मंगत सिंह कलेक्शन एजेंट ने लूटने की योजना बनाई थी। योजना अनुसार झाड़ी मंदिर की ओर जाने वाले जंगल के रास्ते में अमन शर्मा को तमंचा दिखाकर उसके साथ लूट की गई थी। लूट के रुपए की बंटवारा करने पर मंगत सिंह के हिस्से में 22,000 रुपए आए थे। साथ ही मंगत सिंह और उसकी पत्नी गुरनाम कौर बीते 13 जुलाई से अपने घर से फरार चल रहे थे। वहीं सितारगंज पुलिस ने ग्राम तिलियापुर से गुरनाम कौर पत्नी मंगत सिंह और मंगत सिंह पुत्र गुरदास सिंह निवासी तिलियापुर को लूट किए गए 3,550 रुपए बरामद किए। साथ ही पकड़े गए दोनों अभियुक्त को माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। तेरह तारीख को एक लूट हुई थी, जिसमें 5 अभियुक्तों को पहले गिरफ्तार करके भेजा जा चुका है, जिसमें मास्टरमाइंड जो थी गुरनाम कौर थी, जो वही कलेक्शन एजेंट थी जो पैसे इकट्ठा करती थी, उसने और उसके पति ने दोनों ने मिलकर साजिश रची और उसको मोबाइल से उसकी लोकेशन लेते रहे। और जैसे ही वो जंगल के पास पहुंचा तो उसके पीछे जो आदमी इनके रिश्तेदार थे उनसे फोन से बता के उसको लूट लिया।